पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा रहेको वनकालीमा बृहत कोटि होम महायज्ञ जारी छ। मानव सेवा फाउन्डेसन लगायत झण्डै एक दर्जन संस्थाहरूको आयोजनामा पशुपति कोटि होम नेपाल महात्सम्य तथा 108 श्रीमद् भागवत विश्व कल्याण मासिक ज्ञान महायज्ञ 2081 आयोजना गरिएको हो। महायज्ञ अवधिभर जगतगुरु साधु सन्त महन्तका साथै ख्याति प्राप्त कथावाचकबाट आशीर्वचन तथा कथा प्रवचन भइरहेको छ। यसैबीच शनिबार भारतका लोकप्रिय कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज कोटि होममा सहभागी हुनुभएको छ। सोक्रममा कथावाचक अनिरुद्ध आचार्यले धेरै अघि नै नेपाल आउने चाहना रहे पनि कोरोना लगायतका कारणले आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल पशुपतिनाथ मन्दिर रहेको निकै सुन्दर देश रहेको उल्लेख गर्नुभयो। महायज्ञमा वाचन दिनबन्धु पोखरेल, राधिका दासी, श्रीराम कथावाचक चन्द्रकला सखी र श्रीमद् भागवतकी लोकप्रिय युवा कथावाचिका देवी प्रतिभा लगायतले कथावाचन गरिसक्नु भएको छ। विराट ज्ञान महायज्ञमा 108 पण्डितबाट विभिन्न पुराणको पाठ प्रणायन, वैदिक मन्त्र सहित अनावरण रूपमा नियमित हवन, कन्या पूजन, हजारौँको तुलदान, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, तण्डुलाचल चामलको पर्वत निर्माण लगायतको कार्यक्रम पनि नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको आयोजकले जनाएको छ। ज्येष्ठ नागरिक आश्रम भक्तपुरको भवन निर्माणसँगै राष्ट्र शान्ति, विश्व कल्याण एवं गौरक्षार्थ महायज्ञ आयोजना गरिएको बताइएको छ। सबके घर परिवार में सब आनंद है। चलो भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से आप सबके घर में यूं ही आनंद बरसता रहे। आपके घर में, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें, सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है आज हम सब यहाँ मिले। बहुत पहले नेपाल आने का सौभाग्य मिला पर आ नहीं पाया कोरोना लॉकडाउन के कारण। आज आप सबका दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। ये नेपाल इतनी पवित्र धरा है, यहाँ जब हम आए और यहाँ आप सबका दर्शन किया, यहाँ का पारंपरिक जो संगीत हमने सुना, और ये देखिए हमारे गले में ये जो सुंदर सी माला है, हार है, कितना सुंदर है। आप नेपालवासी ही पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि आप प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। आप प्रकृति के जितने करीब हैं शायद कोई हो। प्रकृति को आप अपने गले की माला बनाकर धारण करते हैं, प्रकृति को इतना प्यार करते हैं। इसलिए जब मैं आया तो मुझे लगा कि नेपाल प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। आप सब शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। इसलिए आप सभी एक बार बोलिए, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आप सभी नेपालवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये दास को यहाँ आने का अवसर दिया। हमारे मानव सेवा फाउंडेशन श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज, जिन्होंने इस यज्ञ का संकल्प लिया और आप सब, हम सब जुड़ पाए इस सुंदर से संकल्प से। एक बार सुंदर तालियां आयोजनकर्ता समिति पूज्य महाराजा श्री के लिए। Yeah.